हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ ड्रीम्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे इस राखी के थ्रेड को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो मैंने ये राखियाँ मार्केट से परचेज़ करी हैं, ओम बना हुआ है इसमें, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो थ्रेड है ये बहुत पतला है। ये थ्रेड यूज़ करके हम इन राखी के धागे को और मोटा बनाएंगे। हम 30 सेंटीमीटर ईच लेंगे, 3/4 लेंगे वन कलर का दोनों साइड्स के लिए। अगर आपके पास इस तरह के मोटे धागे नहीं हैं तो आप कलावा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कलावा ही यूज़ करती, बट मेरे पास ये धागा था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। राखी के लिए कलावा तो और भी शुभ माना जाता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये येलो और रेड को मिक्स कर दूंगी, जिससे ये कलावे के जैसा ही दिखेगा। सी, हम दोनों को मिक्स कर देंगे। हम इस राखी के थ्रेड को इक्वली डिवाइड करेंगे और क्रॉस करेंगे एक दूसरे से। फिर जो हमने थ्रेड बनाया है उसको इक्वली फोल्ड करके इसके बैक साइड से इंसर्ट करके इसके एंड पॉइंट को आगे से इसके अंदर इंसर्ट करना है। देन इसको टाइट कर देना है इस तरीके से। इसे टाइट कर देखे तो आप ये देखेंगे कि अच्छे तरीके से लॉक हो गया है। और हम सेम प्रोसेस दूसरी साइड से भी करेंगे, इक्वली डिवाइड करके इसको क्रॉस करेंगे। देन अपना जो हमने थ्रेड बनाया है उसे फोल्ड करके इक्वली इंसर्ट कर देंगे एंड देन टाइट। हमारी राखी कलावा थ्रेड लुक लाइक राखी इज रेडी। सी द डिफरेंस। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी राखी ज़्यादा पसंद आई है, जो हमने थ्रेड को न्यू टच दिया है वो, या ये जो पहले वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।